हाँ उड़ के बैठ गया है जमीन पे मिठू। क्या क्या कह रही हो? कहीं कहीं फेमस हो, मुझे तो बस खाने से मतलब है, बस पुआ मिलना चाहिए। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हो आप सब? आज है 8 फैब, प्रपोज डे। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी प्रपोज डे। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे, लेट क्या, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। मैं अभी नहा कर आई हूँ, तो बज रहा है 2:30 बज रहा है अभी। फिर पूजा तो हो नहीं सकती अभी, तो बस ऐसे ही भगवान के हाथ जोड़ लिए। बस मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही रेडी हो गई बस। और आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत हेडेक हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है। सुबह से कहीं नहीं, कल रात से थोड़ा थोड़ा था हल्का हल्का, सुबह होते होते और बढ़ गया। चलो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, कैसी तबीयत है अब? नहीं सही है तबीयत। रात से पता तो है ही आपको ना, सिर दर्द इतना हो रहा है सुबह से। दवाई तो दवाई तो खाई ना आपने फिर? मैंने 2 बार खा चुका हूँ सुबह से, नहीं हुआ सही। अभी मेरे को लगता है वही ज़्यादा हैवी खा लिया होगा रात में, नहीं सही है। फिर आज जाना भी है। आज डॉक्टर के पास भी जाना है ना, आपकी अपॉइंटमेंट है ना। चलो कोई नहीं, आप रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए लेके सॉरी आती हूँ जब तक। फ्रेंड्स, आज मैं भी नहीं आ पाया, तबीयत रात से खराब थी। कोई नहीं, चलो चलो आप रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। ठीक है। Hours later. हे फ्रेंड्स, अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है, जैसा कि आप मेरी शक्ल पे देख पा रहे हो, क्योंकि हमारे पापा ने भी टोपा पहन लिया है और हम बहुत जोर से हंसते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो पापा, शक्ल सर्दी दिखाना अभी नहीं अपनी। है हाँ, भाई, टोपा टोपा, सर्दी कितनी हो रही है, बारिश हो रही है बाहर। आज बारिश भी हो रही है बाहर। सुबह से मौसम पूरा धूप का निकला हुआ था और एकदम सुबह बारिश भी हो गई। हमारी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल, हाँ, किसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल? हमारी यहाँ डॉक्टर के पास जाना था इसकी थी अपॉइंटमेंट और ये सो रही थी 7 बजे तक, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:15। 7 बजे तक। कहाँ सोई? नींद तो आती 7 बजे तक नहीं सोई? अच्छा, नहीं, कहाँ सोई हूँ आप खुद जानते हो। मैं मेरे सरदर्द, इनका सरदर्द हटके मेरा सरदर्द अरे होने आप वाला लोगों को था। वैसे भी पता है कि लड़कियां बहुत कम ही सच बोलती हैं और झूठ ज्यादा बोलती हैं, तो ये उनमें से ही है। झूठ नहीं बोला है। आप बताना आप कब, मतलब मैं कब सोई इतने। One बाहर eternity कहीं later. लाइट बारिश तो अभी भी हो रही है बाहर और लाइट भी ऑफ, चली अरे गई क्या है। लाइट क्यों, ऑन करके गया। लाइट ऑफ कर दो ना, फिर थोड़ी सी हेल्प करा दो मेरी, ये सामान इतना गंदा पड़ा हुआ है। बारिश हो रही है हाँ अभी हो बाहर रही है बारिश हो रही है और लाइट भी चली गई है, तो देख लेना कुछ कुछ ऑन ना हो। पापा। मैं ना खाने में लाइट ही बना रही हूँ, तो आप पोहा खाओगे? मैं तो खा लूंगा, और कोई दिक्कत नहीं। मम्मी ने भी बोल दिया पोहे के लिए। लाइट और ये अपने लिए फ्राइड राइस बना रहे आप हैं। खाओगे? फ्राइड राइस? नहीं नहीं, तो वो ठीक हम है ना। पापा पापा क्या क्या खाएंगे हमारी क्या क्या खाएंगे ये नहीं पता, क्या बारिश खाएंगे। बहुत तेज हो रही है। पापा पापा और मैंने अभी डॉक्टर को कॉल किया था, डॉक्टर कल बैठेगी, आज नहीं बैठेगी। ठीक है, तो कॉल कर लेना कि कितने बजे कल जाना है। कॉल में आप पूछ हाँ, लेना ना, मुझे मैं आना जा रहा हूँ भी ना, है। फ्राइडे बनाए, मुझे नहीं पता क्या शर्म आ रही है। पापा कॉल कर लेंगे ना या तुम कर लेना। मैं कर दूंगा कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में पोहा बनाते हुए। चलो आज अपने पति से पूछते हैं वो क्या क्या बना लेते हैं। हम तो पति जी बताइए आप क्या क्या खाना बना लेते हैं। फ्राइड राइस तो मुझे आता ही है, वैसे भी नूडल्स भी आता है, कि नूडल्स तो फ्राइड राइस का तो फ्लेवर सेम ही होता है। ठीक है, और दाल चावल हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, नमकीन पराठा भी सीखा, वो भी कौन सा वाला मुझे सिखाया था, परत वाला ना, परत हाँ वाला सीखा था। और उसके अलावा सबसे अच्छा तो सुबह सुबह अपना वो दही आलू दही दही आलू आलू, दही आलू और पराठा। वो कभी कभी बनता है, रोज नहीं हाँ, बनता। कई बार बनता है। और उसके अलावा दाल तो सारी आती है मेरे को, दाल आती है, कुछ कुछ सब्जियां नहीं आती है, अभी आपने जैसे रिसेंट में पालक पनीर बनाना सीख लिया है मुझसे, है ना, हाँ देख देख कर। पालक पनीर तो अपनी जान है, वो तो बनाता ही रहता हूँ मैं तो। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है हाँ पालक पनीर तो, इतना ज्यादा पसंद है ना। हम कहीं बाहर भी जाते हैं, पालक पनीर ही ऑर्डर होगा। हम बोर हो चुके हैं खा खा कर। कहीं कहीं भी पूछोगे ना आप, ऋषभ क्या ऑर्डर कर रहे हो, पालक पनीर। चाहे ढाबा हो चाहे रेस्टोरेंट हो, कहीं भी हो, हमेशा पालक पनीर जरूर ऑर्डर होता है। लेकिन आपको पता है, सांगा क्या पालक
क्या कह रहे हो अरे आप बताओ। लोगों को ये नहीं पता होगा कि कहीं पे भी चले जाओ ढाबे में सबसे डिमांड किसकी रहती है, आपकी शाही पनीर और ये पनीर, मटर पनीर, वो पनीर। लेकिन जब मैं पूछता हूँ पालक पनीर है सर, वो कोई नहीं खाता वो महंगी आती है, तो प्राउड भी होता है कि हाँ मैं महंगी चीज खाता हूँ, स्पेशल चीज खाता हूँ। मटर पनीर ये सब कौन खाता है, पालक खाओ पालक। पाप वो आया था ना, कौन सा कार्टून आता था, पोपो द सेलर मैन, वो क्या खाता था, पालक। वही हो आप। ये है मेरे तो तीन चीज ही है, पालक पनीर, आलू पराठा, हाँ और मेरा भी वो कौन सा, जीरा आलू। क्योंकि मैं कहीं कभी भी हम खाएं काट दो। ये देखो भाई फ्राइड राइस बन रहे, अभी तो स्टार्ट ही दोनों किया है खाएंगे। मैंने। चलो बना लो, बनाने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ आपका सोया सॉस, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला जाता है, पता है, सोया सॉस हो गया, विनेगर हो गया। हाँ लेकिन एक चीज और, मैं बनाता हूँ अपने तरीके से, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, चाहे चाउमीन हो चाहे फ्राइड राइस हो, वो जो आपकी वो डलती है गाजर, अपना क्या क्या चीज डलती है, शिमला मिर्च भी कभी खा, लेकिन सिंपल अच्छी लगती है मेरे को, चावल हो या नूडल्स हो। अब देखो बहुत चूजी हो ना आप, आपकी वजह से हमें हाँ, भी ऐसे ही अरे खाना मिलता है। ये देखो तुमने भी कभी नहीं देखा ना मुझे बनाते हुए। अभी सारा हमने मिक्स कर लिया, अभी मिक्स करके हमने इसमें पूरा सामान डाल के अच्छे से इसको थोड़ा तेज आंच पे अब इसको घुमाते रहो। अगर आपके पास वो भी हो ना, एक मेरा दोस्त था उसकी उसके पापा की शॉप थी ढेल दी, तो वो फास्ट फूड का ही था, तो सबसे अच्छा है अगर आपको और स्पाइसी करना हो ना तो मोमोज की चटनी डाल दो, हल्का सा मैगी मसाला, तब देखो कितना मस्त लगता है। खाए ना तुमने, तुम्हें तो मोमोज पसंद ही नहीं है वैसे भी, ना वो चूजे के बच्चे लगते हैं चिड़िया के मुझे। बच्चे है? हाँ चूजे, और क्या, चूजे जैसे लगते हैं। और ये अभी दीदी होती तो दीदी को मैं कहता था कि वो बगीची से लाया हूँ चाउमीन 10 रुपए की फुल। Few minutes later. तो ये गए हमारे चावल। चावल, चावल के बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें आपका वो क्या बोलते हैं उसको, अजीनो मोटो 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 अजीनो मोटो हाय निमी हाय निमी मोटो मोटो, स्वाद अनुसार डालना पड़ता है इसमें। वैसे वैसे अभी आप मेरे लिए वाला गाना गा सकते हो। पता है वैसे कि किसी को बताऊं भी ना कि क्या डलता है क्या डलता है, उसको पता ही नहीं अजीनो मोटो है क्या। हाँ वो कहता अच्छा वो चावल के दाने। हाँ तो इनके तो फ्राइड राइस बन टेस्ट तो चुके कर लूँ हैं पहले, देने से पहले अच्छा फाइनली, और इसके बाद बनेगा मेरा पोहा। चलो रुको, आप दे दो। नमक कम रहेगा हल्का सा, इसके अंदर रहेगा पोहा। अरे तो आपके इसमें रहा है ना, मैं तो एवरेज डालती हूँ। 5 minutes later. इनका रेडी हो गया है दिखा दो फ्राइड कैसा बना राइस, है, शक्ल पापा को कैसी लग देने रही जा है। रहे हैं। आपको मैंने बना दिया फ्राइड राइस, देखो वाह 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 क्या खुशबू आ रही है। और ये हमारे आगे पापा। बताओ कैसा लगा। अरे बहुत गर्म है, अरे खाके तो बताओ एक बार आप। पापा बताएं कैसा बना है। यमी, जैसे जैसे वो कैसे बोलता है, वो हाँ वो बंदर वो वाली बंदर वीडियो बंदर कैसे में। बोलता है, यमी यमी। यमी नमक ठीक है, बहुत बढ़िया, नमक ठीक लग रहा है आपको। Few minutes later. यहाँ बैठा था और उसको हमने बंद कर दिया, आजा इस वजह से वो सोना यहाँ है। यहाँ उड़ के बैठ गया है जमीन पे। मिट्टू मिट्टू हाँ रेडी हो गया, हाँ आ रही हूँ, देखना जरा मिट्टू कहाँ बैठा है। मिट्टू चल चल के जा रहा है, धीरे धीरे आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या कर रहे हो, अपने लिए बनाऊँ मैं, बनाओ बनाओ ये तो मेरा भी फेवरेट है, अपने लिए बनाऊँ बनाओ बनाओ। ठीक है और क्या यार, पूरा दिन खराब भी हो गया ना अपना, मेरा सिर दर्द सुरखन रात से। हाँ और फिर मेरा भी यार। चलो बना लो आप, बना लो फिर मैं भी अपना बनाऊंगी। चलो नहीं एक चीज बताओ, वैसे आज पूरा छुट्टी भी ऐसी निकल गई ना चलो आज आप ठीक है, आप वो कर लो, चलो मैं मैं ऐसा करता हूँ मैं बनाता हूँ फिर आता ठीक हूँ है। मैं। 1 eternity later. और ये पोहा बनते हुए मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता है, और किस किस को अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स में बताना। वैसे एमपी वाले ज्यादा खाते हैं पोहा, और वैसे तो अपने घर में भी तीन लोगों को तो बहुत पसंद है, एक मम्मी को, मेरे को और दीदी को। सबसे टॉप लिस्ट पे कौन है, मैं, और मुझे उसके बहुत बाद लगता है दीदी को भी अच्छा लगता है, और फिर मम्मी को। हाँ वो ज्यादा नहीं खाती हैं, हम लोग ज्यादा खाते हैं।
एमपी साइड में ज्यादा खाया जाता है, ग्वालियर में और ये मुरैना साइड बहुत नहीं फेमस गलत कह रही हो, वैसे तो ये फेमस है इंदौर का होगा, लेकिन मैं इंदौर ली गई ना कभी मेरी बस नहीं रही है वो मुरैना ग्वालियर क्या के, क्या क्या कह रही हूँ, कहीं का भी फेमस हो मुझे तो बस खाने से मतलब है, बस पोहा मिलना चाहिए। अच्छा लाइट हाँ बहुत मस्त, ये तो वही वाली बात हुई जैसे मैं पहले दीदी के साथ था तो दीदी को भी हर मॉर्निंग में बस पोहा पोहा डोसा डोसा पोहा, ये हमारी जिंदगी इसी में अटके रह गई थी बस। हमारे जितने भी ग्वालियर वाले होंगे ना एमपी वाले उन्हें भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, पोहा तो अपनी राह में है बनते हुए, ठीक है मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेफ रहें, और अगर हमारा ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक, खूब सारे लाइक शेयर भी जरूर करना, कमेंट्स में जरूर बताना पोहा किस किस को पसंद है, सब्सक्राइब करना और टिंग टोंग दबाना ना भूले, बेल आइकन, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।